भी पेड़ लगाए थे, एक ये है, एक ये है, ये है देखिए, और ये अभी सेब भी लगाया है मैंने, 6 महीने का पौधा है। अब ये देखिए कितना सुंदर चल रहा है, और उम्मीद है कि इसमें भी प्रकृति अगर हमें अपने वरदान से युक्त करेगी तो निश्चित रूप से इसमें भी फल हमें खाने को प्राप्त होंगे। लगाए थे एक ये है और एक ये है देखिए, और बहुत अच्छे ढंग से इनकी परवरिश हो रही है और ये सुंदर कोपलें दे रहे हैं। ये मेरी हट है, यहाँ पर बैठ करके बढ़िया प्रकृति का आनंद लीजिए, और भीषण से भीषण गर्मी में भी यहाँ पर शीतलता प्राप्त होती है। तो जब कभी मन अशांत हो तो आप आइए और यहाँ पर बैठिए और गर्मी से निजात पाइए और मन को शीतल करिए। ये मेरा चूल्हा है, यहाँ पर दाल रोटी मिक्स वेज जो भी मनाए बनाते हैं और खाते हैं, और इस हट के नीचे बैठ कर देखिए, ये मकोई है। किसी भी तरह की पेट में कब्जियत, गैस या कोई भी बीमारी हो, लीवर के लिए इससे बढ़िया संसार में कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। ये देखिए पके हुए मकोई के फल हैं, और इनको खाइए। अगर आप 15 दिन नियमित रूप से खा लेते हैं तो किसी तरह की लीवर में कोई समस्या आपको पूरे जीवन पर्यंत नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ना चाहें, प्रकृति के साथ तालमेल बनाना चाहें, प्रकृति से मोहब्बत करना चाहें, तो प्रकृति हमें सब कुछ वरदान के रूप में उपलब्ध कराती है। ये देखिए कितना सुंदर, और ये देखिए अंजीर, पकी हुई अंजीर एकदम मस्त, इतना बड़ा बड़ा सुंदर फल प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है। और इसी के साथ इसमें खीरा, खीरे की बेल भी बढ़िया छितरा गई है। और ये देखिए खीरा, देसी खीरा एकदम मीठा, पूरा मीठा खा जाइए, कहीं पर भी जरा सा भी कड़वाहट नहीं। तो इसलिए सभी से अनुरोध कि प्रकृति के साथ जुड़ें तो प्रकृति अपने आप आपको उपहार स्वरूप वरदान से नवाजेगी और आपको स्वस्थ रखेगी, निरोगी काया बनाए रखेगी। सब लोग आइए मेरे फार्म हाउस में, देखिए और अंजीर का भी आनंद लीजिए, खीरा भी खाइए, आड़ू भी खाइए, सबका स्वागत है। ये देखिए प्रकृति का कमाल, अभी 2 साल का पौधा है और कितना सुंदर, इतनी भीषण गर्मी के बाद और इतने तूफान आने के बाद कितना सुंदर लदा हुआ है चारों तरफ से इतना छोटा पौधा। और ये खूबसूरत आम, इसको मैं मड़ुआ डी से लाया था और ये बहुत खराब मिट्टी थी यहाँ की, इसके बाद भी ये पेड़ तैयार किया गया है। और देखिए कितना सुंदर, इसी तरह से ये देखिए जमीन में लगा हुआ, जमीन में चारों तरफ। ये देखिए ये मेरे छोटे से फार्म हाउस का सुंदर नजारा, ये देखिए जमीन में। आप आइए और ये देखिए ये फार्म हाउस का कटहल, ये कटहल देखिए
ये मेरे स्वयं का तैयार किया हुआ खुद की प्रकृति के प्रेम के साथ आगे बढ़िए। और ये भी एक पेड़ है आम का, इसमें भी देखिए फल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये विषम मौसम में ये देखिए कितना सुंदर आड़ू चारों तरफ से इतना ज्यादा फल है कि डालें तक झुक गई हैं, डालों को सहारा दे करके खड़ा करना पड़ रहा है। ये देखिए, आइए आपका सभी का मेरे फार्म हाउस में आड़ू खाने का स्वागत है, क्योंकि ये मुश्किल से एक हफ्ते 10 दिन बाद पकना शुरू हो जाएंगे। सभी लोगों को, सभी स्वजनों को, सभी जानने वाले, सभी सोचकों को उसमें स्वागत है। ये देखिए, ये चीकू है, चीकू में भी इस बार फल आ गए हैं, फूल आ गए हैं। अब इसमें बहुत जल्दी फल आने वाले हैं, बहुत जल्दी फल आएंगे। ये नाशपाती है, पिछले बार इसमें फल आया था, इस साल ये बहुत सुंदर पौधा है, अगले साल इसमें निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है इसमें फल आएंगे। मैंने लगाया था, 3 साल पुराना है। ये देखिए आड़ू, कितना सुंदर आड़ू है, चारों तरफ से प्रकृति ने पूरा उपहार दे रखा है, पूरा जी दिल खोल करके। आइए आपका सभी का इस फार्म हाउस में स्वागत है। अंजीर खाइए, अंजीर सारे तत्वों से, सारे खनिजों से।